खेमे के श्रम मंत्री के क्षेत्र में हो रहा है अन्याय, इसके बाद भी श्रम मंत्री कुछ नहीं कर पा रहा है। डोलबा सोसाइटी में किसान विगत 10 दिनों से ट्रॉली लेकर खड़े हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं आ पा रहा। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि चौकीदार पैसों की मांग करता है, जो व्यक्ति उसे पैसा देता है उसके फसल की तुलाई करवा दी जाती है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि ढोलबा सोसाइटी में जो तौल कांटे लगे हुए हैं, जिसमें एक प्राइवेट है जिस पर एक दबंगे व्यक्ति का कब्जा है। इस भीषण गर्मी में भूखे प्यासे किसान पिछले 10 दिनों से अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ अन्याय हो रहा है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि चौकीदार 1000 रुपए एक ट्राली के हिसाब से मांगता है। इन सभी मामलों को लेकर जब हमारे ग्राउंड रिपोर्टर ने पटवारी से बातचीत की तो उन्होंने सभी मामलों से सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी सैंपल रिजेक्ट नहीं किया गया। समझ से परे कि क्यों कुछ रुपयों के लालच में अन्नदाता को इस कदर परेशान किया जाता है। वहीं श्रम मंत्री के क्षेत्र में किसानों को अपने श्रम का वाजिब दाम भी नहीं मिल पाता। वहीं ग्रामीणों ने भी यह आरोप लगाया कि सोसाइटी वालों ने दबंगों के लिए अलग से तौल कांटे लगवाने की व्यवस्था की है ताकि उनकी फसल जल्द ही तोली जा सके। तो 10-10 ट्रैक्टर उनके ही तुलते हैं उस पे, जो पर डे खाली होते हैं पर डे आते हैं। बाद बाकी के किसान 10-10 दिन, 4-4 दिन, 8-8 दिन में नंबर आ रहे हैं, एक कांटा चल रहा है उनके लिए। तो मोड़का पे सिर्फ मोड़का एरिया के ही चलते हैं, बाकी मोड़का एरिया के नहीं, मात्र बनाजी के कांटे चल रहा है वो, मात्र एक परिवार का। ये गवर्नमेंट की संस्था है, प्राइवेट थोड़ी है, इस पे किसी का पर्सनल काम किया जाए नहीं किया जा सकता। उनका भी, उनको भी नियम लागू होता है कि लाइन से आए। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बराबर काम है। लेन देन का सिस्टम चालू हो गया, मतलब लेना देना, पैसा दो, अपना काम कराओ और घर जाओ। अभी भी चल रहा है, अभी अभी इसी वक्त मैं जहाँ बोल रहा हूँ ऑन स्पॉट, पैसा दो, अपना काम करो, जाओ और आओ। क्लियर? ये किसान परेशान है, बुरी तरह परेशान है। और मैं तो ये चाहता हूँ मैं मंडी में जाकर बेचूंगा, अच्छा 1000 रुपये कुंटल बिके। मुझे शासन करनी चाहिए, शासन अपने पास रखे, उसकी शासन को वही राम राम। जी ऐसा चल रहा है, उनका गांव का कांटा अलग चलता है, चल रहा है। उनने बोल दी हमारे कांटा भी चल रहा है, दोनों कांटे चल रहे हैं। 10 ट्रैक्टर उनके पहुंचे, 10 ट्रैक्टर इस कतर मैंने ले लिए सर, उनके उनने जोर जबरदस्ती करके ट्रैक्टर अंदर करवा रहे। कौन करवा रहे थे? जय किसान ही करवा रहे थे आपसी में। नहीं, किसान ऐसे होते हैं जो जानबूझ के अवस्था कर देते हैं, उसको भी हम मेंटेन करके उसकी ट्राली खड़ी करके जिसका नंबर आता उसी की करवाते हैं। गलत है जो आपके द्वारा मिली, तो आज के बाद व्यवस्था देख लूंगा। सर चौकीदार जी से बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने बोला मेरा कुछ नहीं है भैया, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं जो ऊपर से मेरे को आदेश मिलता है वही काम करता हूँ। ऊपर से आदेश का नियमबद्ध आदेश है। अच्छा। वो मैं दे रहा हूँ, गेहूँ संस्था सरकार के उपार्जन के अनुरूप नहीं थे तो इनकी यहाँ ड्यूटी है। हम और पटवारी गए, नमूना ले आए और हमने रख लिए। नमूना रखने के बाद संबंधित किसान से बोला भाई NIC या पूर्व मैडम को ले चलो, और अगर भी यस कर देंगी तो हम तुलवा लेंगे, नहीं आपकी ट्राली वापस ले जाओ। बमोरी से ग्राउंड रिपोर्टर जालम करार की रिपोर्ट।